हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हो पेंटेक। तो दोस्तों, आज हम कोई भी गैजेट को बनाने नहीं जा रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस चीज़ को, है मल्टीमीटर। हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहता है और इसका सर्किट कैसा है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ये एक सिंपल मल्टीमीटर है। और दोस्तों, आप लोगों को जरूर पता होगा ये किस काम में आता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसे हम लोकल मार्केट से 150 रुपये में खरीदा था। तो चलो अब इसका प्रोब को निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। देख सकते हो यहाँ पर पीछे की तरफ दो स्क्रू है, तो हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। हो गया, तो चलो अब इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर थोड़ी बाकी है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ओपन हो गया और इसका अंदर सिंपल एक सर्किट बोर्ड है और ये एक SMD सर्किट बोर्ड है। और इसका अंदर ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं है। देख सकते हो, ये इसका बाजार है और ये इसका बैटरी 9 वोल्ट का और ये इसका IC है। पहले इसका बैटरी को निकालते चलिए। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो दो स्प्रिंग की मदद से बैटरी को सिंपली कनेक्ट किया जाता है। और ये एक बढ़िया बैटरी है, 1 से 2 साल तक बैकअप आराम से देता है। और ये 9 वोल्ट का बैटरी है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है। तो चलिए आप इसे साइड में रखते हैं। अभी सर्किट बोर्ड को यहाँ से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर ये 3 स्क्रू की मदद से लगा हुआ है। तो चलो इन सब को पहले साइड में रख देते हैं और इस 3 स्क्रू को फटाफट खोल लेते चलिए। आप इस सर्किट बोर्ड को सिंपली उठा लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर इस बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो ये रिंग जैसा, ये बहुत सारे स्विच का काम करते हैं। यानी डायल को घुमाने से ये रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करता है। और ये डायल है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो छोटे छोटे स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो दो लोहे का दो बॉल है जो स्प्रिंग का साथ अटैच रहता है। अब ये सर्किट बोर्ड को साइड में रख देते हैं। अब चलिए इसका डिस्प्ले को निकालते हैं। अब देख सकते हो एकदम वायरलेस डिस्प्ले है, सिंपल सा एकदम। ये एक सिंपल स्ट्रिप की मदद से सर्किट से जुड़ा रहता है। तो चलिए आप इसका सारे पार्ट को एक साथ रखते हैं। तो दोस्तों, आप सबने देख लिया एक डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहता है। तो आप चलिए इसे फटाफट जोड़ लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर बैटरी को थोड़ा देख कर लगाना, यहाँ पर इस साइड प्लस और इस साइड माइनस होता है, और बैटरी का इस साइड प्लस है तो इस साइड को इस तरफ लगा दूंगा। चलिए अब इसके पीछे की कवर को लगाने से पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं, देख सकते हैं एकदम ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों अब इसका पीछे के कवर को लगा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर घर पे पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से काम में आने वाला अमेजिंग गैजेट बनाना सिखाता हूँ, जो आपको जरूर काम में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक को लेकर। बाय बाय।